अगर आप भी प्रचंड गर्मी से हो गए परेशान तो इंतजार खत्म, क्योंकि होने वाली है रात की बारिश। जी हाँ, उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर राहत भरी खबर सुना दी है। IMD के अनुसार रविवार को मॉनसून मालदीव, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। IMD का यह भी अनुमान है कि मॉनसून 31 मई तक केरल भी पहुंच जाएगा। IMD के महानिदेशक जो हैं वो बताते हैं कि केरल में मॉनसून का आगमन वक्त से पहले नहीं बल्कि सामान्य तिथि के आसपास ही है। अंडमान और निकोबार क्षेत्र में मॉनसून 22 मई तक पहुंच भी जाएगा, ये उन्होंने अनुमान जताया था। इधर 9 से 16 जून के बीच महाराष्ट्र में मॉनसून पहुंचने वाला है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, लेकिन 27 जून से चिलचिलाती गर्मी से राहत लोगों को मिल जाएगी। वहीं राजस्थान की बात करें तो 25 जून से 6 जुलाई के बीच मॉनसून की यहां पर भी एंट्री हो जाने वाली है। कहां कब कब मॉनसून आने वाला है तो मौसम विभाग ये भी बता रहा है कि 3 से 8 जून के बीच कर्नाटक में और 9 से 16 जून के बीच महाराष्ट्र में मॉनसून पहुंच जाएगा। दिल्ली में 27 जून से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। रविवार का दिन, जो बीते रविवार का दिन था, IMD ने ये घोषित किया था कि दिल्ली के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। 23 तारीख तक ये पड़ेगी गर्मी, इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया। दिल्ली में शनिवार को सबसे ज्यादा गर्म दिन महसूस किया गया, बताया भी गया। इन राज्यों में किन राज्यों में कब तक दस्तक देने वाला है तो मौसम विभाग बता रहा है कि बिहार में 13 से 18 जून, पश्चिम बंगाल में 7 से 13 जून, गुजरात में 19 से 30 जून, मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून, उत्तर प्रदेश में 18 से 25 जून और पंजाब में 26 जून के आसपास ये मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। राजस्थान के बारे में आपको जानकारी हमने दे दी। ला नीना दरअसल इसके पीछे वजह है कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि दो जो कारक होते हैं, एक होता है अल नीना और एक होता है ला नीना। तो ला नीना जब सक्रिय होता है, जब उसका सिस्टम बनता है, तो आपको बता दें कि मॉनसून जो है अच्छी बारिश होती है। और ये भी कि केरल में मॉनसून का आगमन जो है हमेशा अलग अलग समय पर होता रहा है। पिछले साल केरल में मॉनसून 8 जून को आया था और इस बार तो 31 मई तक पहुंचने की बात कही जा रही है। इस साल दरअसल वही वजह है कि ला नीना के कारण सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद भी जताई गई है।